नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की बात करें दोस्तों तो यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रायः हम अपने एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं क्या राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की बात करें यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात करें दोस्तों तो यह मूल रूप से क्या है इसको समझते हैं। हम कह दें कि जब किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत, वह एक वर्ष क्या है, वह वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष हो सकता है, भारत के हिसाब से, भारत के अनुसार वित्तीय वर्ष हम कह सकते हैं। जब किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में हुई समस्त आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए इसको एक एक टर्म्स को समझते हैं, क्या है दोस्तों। तो हम लोग कहेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष या वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष के अंतर्गत हुई आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब दोस्तों यहां से हम लोग 4-5 टर्म देख रहे होंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष के अंतर्गत हुई आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए दोस्तों, 3-4 टर्म है, क्या है, एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष के अंतर्गत हुई आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोस्तों इसको हम अगर समझें, राष्ट्रीय आय को ठीक से समझें, जैसे उसमें एक टर्म है एक साल, भारत के संदर्भ में यह वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या था, यह वित्तीय वर्ष भारत के संदर्भ में बात की जाएगी तो यह क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल के अंतर्गत हुई आर्थिक क्रियाओं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। आर्थिक क्रियाओं में 3 टर्म, क्या, उत्पादन और उपभोग
और अंतिम वितरण। देखिए दोस्तों, अब हम उत्पादन, उपभोग और वितरण को समझते हैं, उसके बाद आगे के टर्म को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। उत्पादन के कार्यों से ही इनकम जनरेट होता है। जब हम किसी कार्य को या किसी वस्तु और सेवा को उत्पादित करते हैं तो वही इनकम का सिस्टम बनता है, इनकम का जरिया बनता है। क्या? किसी चीज का उत्पादन करना। क्लियर है? आइए देखते हैं उत्पादन क्या है। उत्पादन को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। उत्पादन को समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन को हम समझें दोस्तों, उत्पादन को हम अगर समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कह दें कि यह इलेक्ट्रॉनिक पेन उत्पादित करनी है, तो इसके लिए सबसे बेसिक जरूरत क्या पड़ेगी दोस्तों? इसके लिए एक मशीन लगाने के लिए कोई लोकेशन चाहिए दोस्तों, यानी कोई भूमि चाहिए, कोई जमीन चाहिए। तो यहां पर सबसे पहली स्थिति क्या होगी? एक भूमि होगी। किसके लिए? इस इलेक्ट्रॉनिक पेन को बनाने के लिए क्या सबसे पहले एक भूमि की जरूरत पड़ेगी, और इस भूमि पर ये जो पेन बनाया जाएगा उसके लिए कुछ पूंजी की जरूरत पड़ेगी, कुछ पूंजी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और इस पेन को बनाने के लिए किसी ना किसी मजदूर या श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी मजदूर या श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, यानी श्रम की जरूरत पड़ेगी, और इस पूरी प्रक्रिया पर रिस्क लेने वाला एक साहसी की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो यह सोचकर कार्य कर रहा हो कि यह मैं बनाऊंगा, यह बिकेगा कि नहीं बिकेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसका प्रोडक्शन कर रहा हूं, इसकी वजह से इसका नाम साहसी पड़ता है। यानी चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्या? साहसी होना चाहिए। यानी किसी कार्य को करने के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण कारक होने ही चाहिए। कौन कौन से? भूमि, पूंजी और श्रम, और क्या दोस्तों? साहसी। साहसी, यह चार लोग हमारे क्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। प्रमुख कारक की बात की गई। क्लियर है दोस्तों? हमने देखा क्या कि आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन के कारक को हम लोग समझे। अब वितरण क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए हमने यह पेन की बात करी कि यह पेन हमने यहां से उत्पादित किया। मान लीजिए यह पेन हम लोग 1000 पेन यहां पे उत्पादित किए, मान लीजिए इलाहाबाद में, मान लीजिए इलाहाबाद में या प्रयागराज में हमने इस पेन का उत्पादन किया, तो जरूरी नहीं दोस्तों कि यह पेन सारा का सारा यहीं खपत हो जाए। यह पेन इलाहाबाद से, प्रयागराज से बनारस जाएगा या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर के भी बिकेगा। तो इसका क्या है, आर्थिक क्रियाओं में एक प्रक्रिया यह भी है कि इसका एलोकेशन यानी वितरण, एलोकेशन यानी वितरण की बात की गई कि जो वस्तु या सेवा बनती है उसका जो वितरण है वह भी हो, और उपभोग, और अंतिम रूप से जैसे हम इसका उपभोग कर रहे हैं, तो आर्थिक क्रियाओं को हम लोग समझे कि आर्थिक क्रियाएं में मूल कौन कौन सी चीजें, तो इसको हमने देखा उत्पादन, उपभोग एवं वितरण। क्लियर है? चौथा टर्म क्या था दोस्तों? चौथा टर्म इसमें क्या था? राष्ट्रीय आय में आर्थिक क्रियाओं के बाद अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। चौथा टर्म था उसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखिए दोस्तों, क्या क्या है,
अब देखिए दोस्तों, जैसे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अगर हम कहें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात करें, तो जैसे हम कह दें, जैसे हम कहें कि गेहूं है और इस गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है। इस गेहूं से आटा बनता है और इस गेहूं से आटा के बाद यह क्या बन जाता है, बिस्किट बन जाता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों मान लीजिए यह गेहूं से आटा बनने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, यह 20 रुपए किलो के हिसाब से है और इसका मूल्य क्या है, 20 रुपए किलो के हिसाब से है और यह 100 किलो है, तो इसका कितना दाम हो जाएगा, 2000 रुपए। और इसी गेहूं की कीमत जब यह आटा बन जा रहा है दोस्तों, तो यह 25 रुपया केजी के हिसाब से इसका मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब यह उसी 100 किलो आटे का चॉकलेट बिस्किट बनता है, तो यह लगभग 1000 पैकेट बनता है और इसका अंतिम मौद्रिक मूल्य 5000 रुपये होता है। 5000 रुपये है। एक चीज आप यहां देख रहे हैं कि वस्तु वही है, इसका मूल्य यहां, इसका मॉनेटरी वैल्यू यहां 2000, इसका यहां पे 2500 और इसका यहां पर 5000। क्लियर है? तो यानी यहां पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात की जा रही है। यहां पर ये जो बीच की मध्यवर्ती चीजें हैं, मध्यवर्ती दाम है, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्तीय चीजों को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर है? यानी यह जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, जब वस्तु या सेवा उपभोग के लिए तैयार हो, तब इसका मॉनेटरी वैल्यू देखा जाता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहां पर हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक दूध है, दूध से मलाई बनता है और मलाई से क्या बन जाता है, चॉकलेट बन जाता है। तो यह जो चॉकलेट लास्ट स्थिति होती है, यानी जब उपभोग की स्थिति होती है, वही क्या है, अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को समझा। राष्ट्रीय आय को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय की बात करें तो हमने समझ लिया कि एक वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष, एक लेखा वर्ष में क्या था, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में हुई आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सा, उत्पादन वितरण एवं उपभोग की क्रिया, और इसके फलस्वरूप अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मतलब जब वस्तु उपभोग करने को पूरी तरह से तैयार हो, वह अंतिम वस्तु या सेवा का स्थिति होता है, इसी के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जिसे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और पांचवा क्या दोस्तों, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी यह क्या, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। आज हम समझेंगे जीडीपी और जीएनपी को हम लोग देखते हैं क्या है जीडीपी। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जीडीपी की बात की जाती है तो यह कहा जाता है, जब
किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है और वह जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी के योग को जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है? अगर इसकी बात की जाए तो यह कहा जा रहा है कि दोस्तों मान लीजिए यह कोई भौगोलिक सीमा है, यह भौगोलिक सीमा है तो इस सीमा के अंतर्गत कोई भी अगर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है तो उसके वस्तु या सेवा का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वह जीडीपी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। यानी जो जीडीपी होगा हमारी सीमा के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा वह मूल रूप से क्या होगा दोस्तों, जीडीपी के अंतर्गत। अब जीडीपी को थोड़ा सा और समझते हैं, हम कह दें कि निवासियों के द्वारा यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हम निवासियों के द्वारा की बात की जा रही है। यानी इस निवासी की स्थिति में देश के नागरिक या कंपनियां और इसी के अंतर्गत बात की जाए कि एक और चीज यहां पर विदेश के नागरिक हों या विदेशी कंपनियां। ध्यान दीजिएगा, विदेशी कंपनियां। दोस्तों देखिए यहां पर हमने कहा कि एक सीमा के अंतर्गत मान लीजिए भारत सीमा है, भारत सीमा के अंतर्गत विदेश से आई हुई कंपनियां हैं और भारतीय सीमा के अंतर्गत उत्पादन कर रही हैं। जैसे मान लीजिए हुंडई कार है यह यहां पर 1000 कार उत्पादित करती है यानी बनाती है और बेचती है तो इसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वह हमारे जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा। और हम कह दें कि भारत की बात की जाए तो मारुति का कार बिक रहा है तो भारत में जो कंपनी है मारुति कंपनी वह जो कार उत्पादन कर रही बेच रही है और वह भारतीय सीमा के अंतर्गत बेच रही है तो वह भी हमारे जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा। जीडीपी के अंतर्गत भारतीयों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा हमारी सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा वह क्या होगा दोस्तों, हमारी जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा। अब सीमा के अंतर्गत की बात की जाए तो दोस्तों जैसे हम कह दें कि भारत की सीमा जो है अगर इस स्थिति को थोड़ा सा देखा जाए तो यहां पर थोड़ा हम लोगों का जलीय सीमा भी है तो यह जलीय सीमा की भी बात की जाए, जलीय सीमा की बात की जाती है तो 12 नॉटिकल मील दोस्तों समुद्र की लंबाई नापी जाती है जल में तो वह 12 नॉटिकल मील तक भारत किसी कल कारखाने या फिर किसी भी उत्पादन कार्य के लिए जल में अगर कोई कंपनी स्थापित करती है या फिर उद्योग स्थापित करती है तो वह भी भारत के जीडीपी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों जीडीपी हम लोगों ने समझा कि जैसे भारत के लोगों के द्वारा और भारत में आए विदेशियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वह जीडीपी होता है। आइए जीएनपी समझते हैं। जैसे जीएनपी क्या है, जीएनपी कहा जाए तो भारत के नागरिकों के द्वारा यानी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब राष्ट्रीय की बात की जाए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
देखिए दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बात की जाए तो यहां पर सिर्फ कहा जाएगा कि भारत के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन कर रहे हो, देश में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा हो, वस्तु या सेवा का, या फिर विदेशों में, या फिर विदेशों में, विदेशों में वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा, देश में या विदेश में वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, या देश की कंपनी, यहां पर लोगों के द्वारा या फिर भारत देश की कंपनी के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है, तो वह भी हमारी जीएनपी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो जैसे हम कह दें, अगर मान लीजिए जैसे इरफान खान है, इरफान खान दोस्तों एक मूवी बनाए थे, इरफान खान एक मूवी बनाए थे दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई, आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्कर पाई थी। उस मूवी के लिए उनको अमेरिका में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, 1 करोड़ रुपए उस मूवी के लिए इनको मिलते हैं, और यह 1 करोड़ रुपया आप बताइए भारत की जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। भारत की जीडीपी की बात की जाए तो यह 1 करोड़ रुपया नहीं शामिल होगा। यह 1 करोड़ रुपया अमेरिका से इरफान खान को मिला था, लेकिन इनको यह धन भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन जीएनपी में शामिल होगा, क्योंकि भारत के नागरिक हैं। जीडीपी में क्या होता था कि भारत के सीमा के अंतर्गत की बाउंडेशन होती थी, जीएनपी में क्या होता है कि कहीं भी किसी भी जगह जाकर कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, उसके लिए अगर कुछ उसको धन मिल रहा है तो वह जीएनपी में काउंट होगा, लेकिन जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ हमारी सीमा के अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ हमारी सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वही जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा। कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, जो भी हो, वह हमारी सीमा में होगा तो वह जीडीपी के अंतर्गत होगा, सीमा में नहीं होगा तो वह जीएनपी के अंतर्गत। भारतीय सीमा के अंतर्गत विदेशी भी हो सकते हैं, लेकिन जब जीएनपी की बात की जाए, यहां पे थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर ले हम लोग, जैसे जीडीपी की बात की जाए और जीएनपी की बात की जाए तो दोनों में बेसिक अंतर समझ लीजिए। यहां पर सिर्फ सीमा के अंतर्गत की बात की जाती है, सीमा के अंदर, यहां पर कहा जाएगा देश का नागरिक कहीं भी, देश का नागरिक कहीं भी, यहां पर देश का नागरिक के साथ साथ नागरिक या कंपनी, नागरिक या कंपनी कहीं भी उत्पादित करे और उसके लिए क्या मिले, उसको मॉनेटरी वैल्यू मिले कहीं भी। क्लियर है? यानी सीमा के अंदर यहां पे बात की जाती है, वहां पर सीमा के बाहर कहीं भी। हमने इरफान खान की बात करी, अगर इरफान खान अमेरिका में पैसा पाते हैं तो यह चीज यहां पर काउंट किया जाएगा, किसमें, जीएनपी में, लेकिन जीडीपी में नहीं किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन इरफान खान को अगर भारत में किसी कार्य के लिए पैसा मिल रहा है तो वह जीडीपी में काउंट होगा, जीडीपी में काउंट होगा और जीएनपी में भी काउंट होगा, और जीएनपी में भी काउंट होगा, यानी यह भारत सीमा के अंतर्गत यह प्राप्त किए तो यह जीडीपी जीएनपी दोनों में काउंट होगा। क्लियर है? आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश नए जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।